नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता प्रकाश। वक्त हो चला है अभी तक की बड़ी खबरों को जानने का, तो बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहली खबर फुलवारी शरीफ से है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय दलित पार्टी के उम्मीदवार राधे रमन ने अपना नामांकन दर्ज कराया और अपने विचार रखते हुए कहा कि जदयू की सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगा तो सभी तबके के लोगों का विकास करूँगा। वहीं जदयू प्रत्याशी अरुण मांझी ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया। मांझी ने कहा कि हमारे टक्कर का यहाँ कोई भी नहीं है जो हमें पछाड़ सके। वहीं फुलवारी शरीफ विधानसभा के NDA उम्मीदवार अरुण मांझी का बिहार शरीफ नगमा गांव में सैकड़ों जदयू कार्यकर्ताओं ने बैठक कर विरोध जताया है। लोगों का विरोध है कि स्थानीय फुलवारी शरीफ का उम्मीदवार NDA को बनाया जाना चाहिए था, लेकिन NDA के बड़े नेताओं ने दूसरे जगह के लोगों को जदयू उम्मीदवार बना दिया है। जनता से पूछिए, कोई एक निर्दलीय भी प्रत्याशी लड़ता है तो उसके सामने कोई टक्कर नहीं रहता है। हम तो NDA के प्रत्याशी हैं। मत पड़िए किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जदयू कार्यकर्ता एकजुट गोलबंद बुलंद है। उनकी ये अंग्रेजी हुकूमत ये जदयू कार्यकर्ताओं पर नहीं चलेगा और इसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हम लोग को बैठक नहीं की है। सभी लोग को हुआ कि एकत्रित होकर हम लोग चाय पर चर्चा हो जाए। ये इसी विषय पर हम लोग चर्चा की, हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग एकत्रित होकर के हम लोग चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेंगे। सारे कार्यकर्ता हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे और आगे हम लोग अभी एक दो तीन दिनों के अंदर फिर हम लोग कौन-कौन प्रकार में बैठक करने का हम लोग निर्णय लिया है। अगली खबर नालंदा जिले से है। NDA समर्थित उम्मीदवार हरियाणा के राज्यपाल सत्यनारायण आर्य के पुत्र कौशल किशोर ने दूसरे चरण के लिए राजगीर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। बता दें कि राजगीर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होगा क्योंकि यहां पूर्व से जदयू के विधायक रवि ज्योति का दबदबा रहा है। उन्होंने पिछले 40 वर्षों से BJP की काबिज सीट पर जीत हासिल की थी। इसके पूर्व उन्होंने 2015 में सत्यनारायण आर्य उर्फ वक्त के तत्कालीन विधायक को हराया था, लेकिन इस बार वर्तमान विधायक रवि ज्योति का पत्ता साफ होने से उनके स्थान पर हरियाणा के गवर्नर सत्यनारायण आर के पुत्र कौशल किशोर को जदयू से उम्मीदवार सौंपी गई है। यही कारण है कि इस बार राजगीर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव काफी दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि जदयू के बागी विधायक रवि ज्योति के प्लुरल्स पार्टी या महागठबंधन से चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। अगली खबर सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी के बथनाहा विधानसभा में BJP कार्यकर्ताओं ने संभावित उम्मीदवार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि अनिल राम को BJP इस बार सिंबल दे सकती है। BJP के इस फैसले से नाराज BJP के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और Deputy CM सुशील कुमार मोदी का पुतला भी फूंका। आपको बता दें कि ये मामला पूरा स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग से जुड़ा हुआ है। अगली खबर मनेर से है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवार की घोषणा करने में लगी हुई है, तो वहीं NDA के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद को इस बार पटना जिले के मनेर विधानसभा से उम्मीदवार बनाने के बाद लगातार इसके विरोध में आम जनता के साथ साथ पूर्व विधायक श्रीकांत निराला मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल पटना जिले के मनेर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे श्रीकांत निराला को इस बार भाजपा के तरफ से टिकट न मिलने के कारण वे काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। वहीं नाराजगी के कारण पिछले कई दिनों से अपने जन समर्थकों के साथ वह पार्टी का विरोध भी कर रहे हैं। अगली खबर कटिहार से है। बिहार के कटिहार में पशुपालन विभाग के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर हो रहे उगाही को लेकर वैक्सीनेटरों ने हंगामा किया है। इस दौरान पशुपालन विभाग के संलिप्त कर्मियों से उनकी धक्का मुक्की भी हुई। आरोप है कि प्रति प्रशिक्षण कर्मियों से विभाग प्रमाण पत्र के लिए 1,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि इस मामले में संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, साथ ही साथ पूरे मामले की जाँच भी की जा रही है। मैं जो है कि हम लोग टीकाकर्मी हैं, बरारी से आए हुए हैं, तो टीकाकर्मी जो इतना दिन से टीकाकरण किए हैं उसी का उसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो अनुभव प्रमाण पत्र हम सर लोग से बनाने के लिए यहाँ 10 दिन से आ रहे हैं, तो 1,000 रुपया का बात कर रहा है। सुबह से भी हम लोग जो है 1,000 बड़ा बाबू जो है उनके द्वारा मांगा जा रहा है। तो 1,000 रुपया का मांगने रामबली सिंह नाम है उनका
उनके द्वारा 1000 जी सर, उनके द्वारा 1000 रुपया मांग किया गया जी सर, तब देंगे नहीं तो नहीं देंगे। जाओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, चुनाव में गया है, यहीं जबकि सब थे, सबको भगा दे। जो पैसा देता है, जो पैसा देते हैं, जब जिनका फर्जी लोग आप लोग कर देते, हम लोग अभी यहाँ से 40 गो हैं जी सर, सभी से 1000 रुपया का मांग किया जा रहा है। पदाधिकारी के ऊपर पैसा लेने का आरोप, पदाधिकारी नहीं है, कर्मचारी। क्या हमको तो नॉलेज में नहीं है, हमें उस समय यहाँ थे ही नहीं। किया गया, मारपीट भी हुआ कहाँ, दफ्तर में, बड़ा के दफ्तर में, तो हम नहीं देखे सर। पैसा लेते हुए भी सवाल है हम लोग के पास, क्या कहेंगे ऐसे कर्मचारी? अगर वैसा है तो उस कर्मचारी पर हम कार्रवाई करेंगे। संतोषजनक जवाब नहीं देगा तो आगे बढ़ाएंगे मीटर को। अगली खबर आरा से है। आरा के नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज विश्वकर्मा मंदिर के समीप पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने जख्मी बदमाश को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने पटना PMCH से रेफर कर दिया। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से जख्मी हो गए, जिनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जख्मी अपराधी नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज गोंगीपुर राठौर नगर निवासी मुन्ना गिरी का पुत्र साधु गिरी बताया जा रहा है। उसको कमर के नीचे गोली लगी है और बाहर की तरफ से, सामने की तरफ से, क्यूबिक लीजन की तरफ से गोली निकल गई है। उसका एक्सरे कराया गया है, स्थिति थोड़ी सी, पेशेंट का वाइटल थोड़ा कमजोर है, अनस्टेबल है, इसलिए उसको रिफर कर दिया गया PMCH। कितने गोली लगी है सर? एक ही दिख रहा है, एक जगह से एक ही गोली लगी। अगली खबर वैशाली से है। वैशाली विधानसभा पटेरी बेलसर प्रखंड नगमा गांव में सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल के पैतृक आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता वीरेंद्र राय पटेरी बेलसर प्रखंड अध्यक्ष ने की, जबकि मंच संचालन वैशाली प्रभारी जदयू के अशोक सिंह ने किया। बैठक में वैशाली विधानसभा के जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। मौके पर उपस्थित एनडीए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल को पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहने के कारण उन्हें सम्मानित किया गया है। अगली खबर बक्सर से है। बक्सर विधानसभा में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। इस अवसर पर बक्सर जिला के सभी मतदाताओं से 100% मतदान करने हेतु जिला प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम के तहत एक आकर्षक वीडियो तैयार किया है। वहीं आज उस वीडियो को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि मतदान के इस शुभ अवसर पर बक्सर के मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने को मतदान केंद्र पर आए। वहीं मतदाताओं को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जिले में सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम दिन भर के अपडेट्स हम एक बार फिर से आप तक लेकर पहुंचेंगे। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।